ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। शिवसेना नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष पाया जा रहा है और इसी के चलते बटाला में पंजाब उप प्रधान रमेश नैयर की अगुवाई में रोष प्रदर्शन निकाला गया और खालिस्तान का पुतला भी फूंका गया। शिवसेना के बाल ठाकरे द्वारा बटाला के नेहरू गेट पर खालिस्तान का पुतला फूंका गया और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस प्रशासन और सरकार शिव आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और पंजाब सरकार पंजाब में शांति नहीं चाहती। पत्रकारों से बात करते हुए रमेश नैयर उप प्रधान शिवसेना और बाल ठाकरे ने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी डीजीपी पंजाब की है और पंजाब सरकार की है, जिनके इशारों पर ही शिवसेना के नेताओं पर रोज हमले हो रहे हैं। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला रहे बल्कि इसे अरूसा के इशारों पर चलाया जा रहा है। अपने अज इतों तो माध्यम राही कल बटाला बंद की गल देनी, पर सरकार ने एस एस पी साहब ने मतलब क्या बहुत ज्यादा दबाव बनाया कि नहीं बंद की गल नहीं देनी, क्योंकि साढ़े को हल नहीं है। या धरने भरोसे कर ली या बंद की गल दे दी है सरकार जी सू मरवंत तुली दी आ। पंजाब का हिंदू जरा बेबस बैठा, कांग्रेस की सरकार जी अरूसा के इशारे से चलन रही आ। तुम एक चीज़ दसो कि आप पंजाब दे विच जिनी तादाद हूँ दू तीन सालों में मुसलमान आए वो कितों आ गया? देश के जरा बार्डर के उपर बटाला जरा वा बार्डर के एरिए उपर आ, इतने जिन्हें 30,000 तो वे मुसलमान आए वो कितों आए? मैं जवाब मांगना थोड़े माध्यम रोई कि करना ये मूँह मंगे रेट थोड़े दुकानदारों को देने आ लख लख रुपया, 1.5 लख रुपया कितों आ रहे? 1 लख रुपये महीने का आम दुकानदार ने 20,000 रुपये महीने भी नहीं कमा लिया। सरकार की जी CID आ खुफिया विभाग आ ये बिल्कुल निकम्मे फेल हो चुके हैं। फर्जी लोग ने सब पकौड़े उधरों ये सरकार जी सा देश में इन्होंने लगता पंजाब की सपारी लली अरूसा के कहने उपर। मैं थोड़े मतलब यह कहना चाहता कि रूसा की कैप्टन के संबंधों की जांच कराई जाए कि कितों आ रहे हैं ये मुसलमान सारे जब झट सरकार पुलिस फटती है तो उस फोन आईता क्यों आईता उस छत्ते जाते हैं क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही? सरकार जवाब दो क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? बिल्कुल सच्ची गल सच्ची गल सच्ची गल क्यों? प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।